नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सहायता केंद्र। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड, टी शर्ट बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश, मैं थाना से आया हूँ और सर ने हमें आज बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग है वो स्क्रीन प्रिंटिंग की वो दी है। तो अभी हमने यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे किया जाता नीलेश, है ये बताओ कि ये प्रिंटिंग बिजनेस क्या देख के आपने सेलेक्ट किया है? मार्केट में ऐसा क्या देखा है कि आपको प्रिंटिंग बिजनेस अच्छा लगा, फिर आप ये प्रिंटिंग का सेटअप चालू करने का सोचे? सर, बेसिकली हमने ये चीज़ ध्यान में रखा था कि लाइक कौन सा भी नया इन्वेंशन आ जाए, ठीक है, या फिर कोई नया स्टार्टअप आ जाए, ठीक है, तो उसको तोड़ है। मतलब अगर मोबाइल आ गया तो उसका फ्यूचर में कोई ना कोई तो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दो से तीन चीज़ें ऐसी है, मतलब खाना ले लो या फिर कपड़ा ले लो, जिसका ट्रेंड कभी खत्म नहीं होने वाला। सो दैट इज दी दैट्स व्हाई वी आर हियर। मतलब ऑल सीजन में चलने वाला है ये, ऑल सीजन में चलेगा और यही रीजन है बेसिकली जो हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आज आपने जो ट्रेनिंग लिया है तो उसके बारे में आप जरा बताइए। सर, आपको स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में पहले क्या नॉलेज था और अभी जब आज क्लास खत्म हो रही है उस टाइम पे आपको क्या नॉलेज है? ओके, जब मैं यहाँ पे आया था तो बेसिकली बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन, मैंने बेसिकली हमने वीडियो ही देखे कि कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग किया जाता है, कैसे ये किया जाता है, स्क्रीन कैसे बनाई जाती है, या फिर उसको मतलब उसको कोड कैसे करना है, ऑल दोस थिंग। लेकिन सबसे मतलब क्या होता है, देखना और करने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आके हम लोग वो कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज होना हर एक बिजनेस में। श्रम कोकेरा है, मैं ठाणे से लोकमान्य नगर में से आया हूँ। मैंने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा तो मुझे एक्चुअली टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस चालू करना था। सर का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और सर से कांटेक्ट करके यहाँ पे आया, तो सर ने हमें यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग और एक्सप्रेस मशीन का वो सब स्टडी करवाया। जो मुझे तो स्टार्टिंग से तो कुछ पता नहीं था, सर ने यहाँ पे आके हम लोग को सब क्वेरी सॉल्व करवाया, हम लोग से प्रैक्टिस करवाई और फिर हम लोग ने दो टी शर्ट प्रिंट भी करे और वो ओके हो गए। तो सर का बहुत धन्यवाद कि आगे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो सर से बात करके। अच्छा, स्क्रीन प्रिंट में आपने जो ट्रेनिंग लिया उसमें सबसे डिफिकल्ट क्या लगा? आज हमने जो ट्रेनिंग लिया उसमें हमें सबसे डिफिकल्ट लगी जो इमोशन हम लोग लगाते हैं वो मतलब परफेक्ट आना चाहिए। जो परफेक्ट नहीं आता तो टी शर्ट के ऊपर जब अपन जब प्रिंट करते हैं पूरा तो उसमें डॉट डॉट आ जाता है। तो वो मोस्टली बात है कि वो आप इमोशन अच्छी तरह लगाए, इमोशन आपका सही से होना चाहिए। या अगर सही से नहीं होता तो क्या होता है? सही से नहीं होता तो आपका जो प्रिंट रहेगा कितना भी अच्छा हो तो उसको खराब कर देता है पूरा, उसका कलर नीचे आ जाता है, डॉट डॉट पड़ जाते हैं पूरे टी शर्ट। वॉशिंग के टाइम पे वो इमोशन ओपन हुआ है आपका? वॉशिंग के टाइम कभी कभी मतलब आप जब एक्सपोजिंग करने के लिए तो जो आप टाइम बराबर लगाते हो पूरा टाइम सेट करके लगे हैं, क्योंकि आपका टाइम आगे पीछे हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो आपका प्रिंट वो खुलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रेनिंग मिला उससे फुल सेटिस्फाइड है? हाँ, मला आता जी ट्रेनिंग भेटली आहे त्याच्यामुळे खूप सॅटिस्फाय आहे मला। मी स्वतः घरी जाऊन प्रॅक्टिस करणार आहे आणि मला बघायचं की मला किती ते इमोशन माझं किती लागते। आता मी प्रॅक्टिस केल्याशिवाय करणार नाही की माझं कुठं चुकते। और फिर मिलते हैं और आपका एक बार विजिट भी करेंगे हम लोग आपका, जो भी शोर आ जाइए सर, जहाँ पे आपका बिजनेस ऑफिस है वहाँ पे विजिट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस।